देखो टीनिया और सोराइसिस दोनों ही अलग तरह की बीमारियां हैं। टीनिया में क्या होता है, टीनिया को हम फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं और सोराइसिस होता है ऑटो इम्यून डिसीज। आम भाषा में बोला जाए तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो खुद की ही बॉडी पे अटैक करने लगते हैं एज अ फॉरेन बॉडी समझकर, तो इस चीज़ को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। दोनों ही डिसीजेज में इचिंग यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा होती है और दोनों के जो पैचेस होते हैं यानी कि दोनों का जो इन्फेक्शन होता है वो रेड कलर के पैचेस में ही होता है यूजुअली, ठीक है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे हमें पता लगेगा सोराइसिस है कि टीनिया, क्योंकि आप पहले सोच रहे थे कि आपको सोराइसिस है बट ये सोराइसिस नहीं है, टीनिया है। ये कैसे हमें पता लगा कि जो सोराइसिस होता है ना उसके जो पैच होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, ठीक है, और वो सिल्वर कलर के होते हैं और ऐसा लगता है कि स्किन जो है ना जब आप उसको खुजाते हो कि स्किन झड़ रही है, लेकिन वहीं पे टीने के पैचेस रेड कलर के होते हैं और उसके अंदर इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली उसके जो एजेस जो उसकी किनारियाँ एजेस यानी किनारियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती है, रेड कलर की होती है, थोड़ी सी थिक होती है, तो उससे पता लग जाता है कि सोराइसिस है कि टीनिया है, ठीक है। अभी आपको जो हो रहा है वो टीनिया है, बाकी मेडिसिन मैंने आपको यहाँ पे दी है और प्रिकॉशंस मैंने आपको कुछ बताए हैं वो आपको लेने बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ टीनिया, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको ये ठीक हो जाएगा। ओके, मेडिसिन मैं दे रही हूँ, मेडिसिन आप ले लें।